हेलो एवरीवन आई एम इंद्रोनल एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ कैरियर हब सो मेरे प्यारे दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे आपका कोलकाता के अंदर टॉप टेन बीबीए कॉलेजेस इन कोलकाता 2021 वीडियो को शुरू करने के पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है शायद आप सब लोगों को लग रहा है आज भैया बेंगाली से हट के हिंदी में क्यों वीडियोस बना रहा है तो उसका जो मेन रीजन है मैंने जो टॉप टेन बी सी कॉलेजेस इन कोलकाता का वीडियो बनाया था वहां पे बहुत सारा स्टूडेंट्स का कॉमेंट आया था जो लोग बोल रहे थे कि भैया हम वेस्ट बेंगल के बाहर रहते हैं हमें भी कोलकाता से बी लेकर पढ़ना है बी बी लेकर पढ़ना है लेकिन हमें आपका लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा है रिसेंटली मैंने एक इंस्टाग्राम पे डीएम चेक किया जहाँ पे एक स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि भैया मैं तो वेस्ट बंगल के बाहर रहता हूँ मुझे भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप तो बंगाली में वीडियोस बना रहे हो हमें तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है क्योंकि इंडिया के अंदर वेस्ट बंगल के कॉलेज एंड एजुकेशन सिस्टम को लेकर कोई भी वीडियोज़ नहीं बनाता है तो मैंने सोचा ये बात तो सही है क्योंकि कोलकाता के अंदर जब आप लोग पढ़ाई करोगे आप लोगों में से एट्टी रेशियो आपका जो कोलकाता एंड वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बंगाली आता है बाकी ट्वेंटी ऐसे भी स्टूडेंट कोलकाता के अंदर होते जो आपका ड़ीसा दिल्ली बॉम्बे झारखंड बिहार आसाम से हर साल कोलकाता के अंदर पढ़ाई करने के लिए आता है क्योंकि वेस्ट बंगल एंड कोलकाता के अंदर भी इंडिया के अंदर बहुत सारे टॉप लेवल के इंजीनियरिंग कॉलेज फार्मेसी कॉलेज एग्रीकल्चर कॉलेज बीबीए कॉलेज बीसीए कॉलेज एमसीए कॉलेज प्रेजेंट है तो मेरा लक्ष्य है इस चैनल के बारे में इस कॉलेजेस के बारे में इंडिया के हर एक स्टूडेंट्स को पहले इन्फॉर्मेशन देना सो so, मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं है ऐसे बंगाली मेरा हिंदी उतना भी अच्छा नहीं है तो कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आता तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए मैं आप लोगों को हेल्प कर दूंगा लेकिन मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूं मैं इस चैनल के अंदर पहले हिंदी में ही वीडियोस बनाता था लेकिन कोई भी रेस्पॉन्स मुझे नहीं मिलता था लेकिन जब से मैंने बेंगाली में वीडियोज़ बनाना शुरू किया तब से मुझे एक अच्छा खासा रेस्पॉन्स मिलना शुरू हो गया तो अगर आप लोग इस वीडियोज़ को लाइक कर तो जितने भी हिंदी व्यूअर्स है जितने भी हिंदी भाषा के व्यूअर्स है अगर आप लोग इस वीडियोज़ को लाइक करते हो इस वीडियोज़ को शेयर करते हो अपने हर एक दोस्तों के अंदर जो लोग आपका कोलकाता से बीबीए करना चाहता है एंड अगर आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करते हो एंड अगर आप मेरे इस बनाए हुआ वीडियो में रेस्पॉन्स प्रोवाइड करते हो तो मैं अगले आने वाले टाइम भी इस चैनल के अंदर हिंदी में वीडियो को कंटिन्यू करूंगा और अगर मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो मैं फिर से बंगाली में शिफ्ट कर जाऊंगा ये मैं पहले ही आप लोगों को बोल रहा हूं बाकी अगर आप लोग इस चैनल के अंदर न्यू हो तो ऑब्वियसली बात इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना पास में जो बेल आइकन के उसको प्रेस करके टर्न ऑन कर देना और इस वीडियो को पहले लाइक शेयर कर देना सो ना सो अभी हम लोग क्विकली एक बार डिस्कस कर लेते हैं या फिर देख लेते हैं क्या-क्या आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे आपका टॉप 10 बेस्ट बीबीए कॉलेजेस इन कोलकाता 2021 जहां पे मैंने प्राइवेट कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस दोनों कॉलेजेस को मिलाकर एक लिस्ट आप लोगों के लिए मैंने प्रोवाइड किया है यहाँ पे हम लोग देखेंगे हर एक कॉलेज का यूनिवर्सिटी कौन सा है कॉलेज का आपका एडमिशन प्रोसेस कैसा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसा है कोर्स फीस कैसा है फीस स्ट्रक्चर क्या है आपका इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे आपका प्लेसमेंट कितना है एवरेज प्लेसमेंट पैकेज हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज कौन सा कौन सा कंपनी आपका ऑन कैंपस प्लेसमेंट के टाइम आता है एंड मेनी मोर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पाएंगे तो अगर आप लोगों को जानना है टॉप टेन बीबीए कॉलेजेस इन कोलकाता हमें तो बीबीए करना है तो इस वीडियो को आप लोग तक, तक without skip करके, क्योंकि अगर आप कोई भी क्वेश्चन स्कीप करोगे तो आपको सटीक इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा तो चलिए ज्यादा बकबक ना करके वीडियो का मेन टॉपिक शुरू किया जाए इस टॉप ओके सो टॉप टेन बीबीए कॉलेजेस इन कोलकाता इस लिस्ट के अंदर नंबर वन पोजीशन पे जिस कॉलेज को मैंने इंक्लूड किया है उस कॉलेज का आपका नाम है सेंट जेबियर्स कोलकाता सेंट जेबियर्स कॉलेज कोलकाता वेस्ट बंगाल का वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट मोस्ट रेपुटेटेड एंड मोस्ट ट्रस्टेड कॉलेजेस में एक है सेंट कॉलेज कोलकाता इस कॉलेज का 2020 एनआईआरएफ रैंक आपका ऑल ओवर इंडिया के अंदर नंबर पोजीशन आया था सेंट जेबियर्स यूनिवर्सिटी आपका एक ऑटोनोमस कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी है अंडर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बेंगल इस कॉलेज का आपका एस्टेब्लिशमेंट आपका हुआ था एटीन पे तो आप लोग समझ ही सकते हो बहुत ज्यादा ओल्डेस्ट कॉलेज ये ब्रिटिश टाइम का कॉलेज इस कॉलेज का रेपुटेशन बहुत ज्यादा है एंड वैसे भी जेबियर्स एक बहुत ही टॉप क्लास लेवल का ब्रांड थे पूरे इंडिया एंड वर्ल्ड के अंदर दू 2015 पे सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता ने हेरिटेज अवार्ड जीता था क्योंकि इस कॉलेज का एज बहुत ही ज़्यादा ओल्ड एंड सेंट जेबियर्स कॉलेज कोलकाता एक हेरिटेज कॉलेज कोलकाता है वेस्ट बंगाल एंड इंडिया के अंदर ए थोड़ा सा मैंने इन्फॉर्मेशन आपको सेंट जेवियर्स कॉलेज के बारे में दे दिया बाकी इस कॉलेज का टाइप क्या है इस कॉलेज का टाइप आपका एक स्टेट गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज है दैट्स मीन कॉलेज आपका गवर्नमेंट कॉलेज है लेकिन आपका ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है कोर्स क्या ऑफर किया जाता है बी एम एस बीबीए कोर्स ही ऑफर किया जाता है सेंट कॉलेज के अंदर लेकिन कॉलेज कोर्स का नाम आपका अलग है बी एम एस बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बाकी पढ़ाई एंड सिलेबस बिल्कुल सेम है बीबीए के जैसा ही कोर्स फीस कितना है फोर्टी एट थाउजेंड पर सेमिस्टर इस कॉलेज का कोर्स फीस है एवरेज प्लेसमेंट पैकेज आपको सेंट जेवियर्स कॉलेज से मिलता है फोर लैख टू थ्री लैख पर एन एम हाइएस्ट प्लेसमेंट पैकेज आपको इस कॉलेज में मिलता है ट्वेल्व लैख पर एन एम का कंपनी लाइक आई बी एम टाटा टी सी एस आमरी हॉस्पिटल कोलकाता डी लाई टी एक्साइट इन्फोसिस टाइम्स ऑफ इंडिया कोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड मेनी मोर कंपनीज आर कमिंग ऑन द टाइम ऑफ ऑन कैंपस प्लेसमेंट बी ब लिए ठीक है तो दिस इज़ आवर फर्स्ट कॉलेज ऑफ दिस टॉप टेन बी कॉलेज इन कोलकाता लिस्ट ठीक है इसके बाद नंबर सेकेंड पोजीशन पे जिस कॉलेज को मैंने इंक्लूड किया है उस कॉलेज का आपका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड रिसर्च जिसका शॉर्ट फॉर्म है आपका आई बी एम आर कोलकाता इस कॉलेज का आपका यूनिवर्सिटी है मैकाउ यूनिवर्सिटी दैट्स मीन जो आई बी एम आर कोलकाता है आपका मैकाउ यूनिवर्सिटी एप्लीकेटेड है इस कॉलेज का भी आपका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था नाइनटीन सेवेंटी सिक्स पे इस टॉप टेन लिस्ट पर जितने भी कॉलेजेस मैंने आपको प्रोवाइड किया हर एक कॉलेज आपका मिनिमम टेन टू फिफ्टीन ईयर्स ओल्ड है सो दैट्स वाई हर एक कॉलेज आपका रेपटेड थे ट्रस्टेड थे एंड प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी आपका अच्छा खासा मिल जाता है कॉलेज का टाइप आपका प्राइवेट कॉलेज है आई कोर्स के ऑफर किया जाता है यहाँ पे टोटल आपका फोर बीबीए कोर्स ऑफर किया जाता है नंबर वन आपका बीबीए ऑनर्स जो आपका जनरल है नंबर टू आपका एक बीबीए इन स्पेशलाइजेशन ऑफ हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट नंबर थर्ड बीबीए इन द स्पेशलाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड नंबर फोर्थ इन द बीबीए ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ ऑन्टरप्रेनियरशिप तो आप अगर इन सब स्पेशलाइजेशन के अंदर बीबीए करना चाहते हो कोलकाता से तो आपके लिए आई और कोलकाता बेस्ट कॉलेज है एडमिशन प्रोसेस क्या है आई बी एम आर कोलकाता के अंदर तो आई बी एम आर कोलकाता के अंदर आपको अगर बी बी ए लेकर पढ़ना है तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा जिस एंट्रेंस एग्जाम का आपका नाम है मैकाउ सी ई टी एग्जाम जिसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी निकल चुका है लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलअप ट्वेंटी सिक्स जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एग्जाम डेट आपका थर्टी फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी वन कोर्स फीस कितना है आई और कोलकाता का टोटल थ्री इयर्स का कोर्स फीस है आपका सिर्फ 2.3 पॉइंट थ्री लैक्स इंडियन रुपीज एवरेज प्लेसमेंट पैकेज आपको यहाँ पे आराम से 5 टू 6 लाख पर नाम का सैलरी मिल जाता है बाकी सैलरी कितना मिलेगा वो पूरा स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कंपनी लाइक आई बी एम टाटा आमरी हॉस्पिटल एक्सिस बैंक आई सी आई सी आई बैंक आर कमिंग ऑन द टाइम ऑफ ऑन कैंपस प्लेसमेंट राइट नंबर थर्ड पोजीशन पे जिस कॉलेज को मैंने इंक्लूड किया है उस कॉलेज का आपका नाम है स्कॉटिश चर्च कॉलेज एंड वंस अगेन वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेटेड ट्रस्टेड एंड एस्टेब्लिश्ड कॉलेज इन कोलकाता स्कॉटिश चर्च कॉलेज का आपका यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन कैलकाता यूनिवर्सिटी के अंडर है एस्टैब्लिशमेंट हुआ था इस कॉलेज का 1830 पे वेस्ट बेंगल एंड कोलकाता के अंदर जितने भी आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस देखने को मिलते हैं हर एक गवर्नमेंट कॉलेज का एज आपका वन हंड्रेड का है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम टॉप लेवल का कॉलेज आपका ब्रिटिश टाइम पे एस्टैब्लिश्ड हुआ था स्कॉटिश चर्च कॉलेज का टाइप आपका प्योर गवर्नमेंट कॉलेज है कोर्स आप आपका यहाँ पे ऑफर किया जाता है सिर्फ एक कोर्स बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो आपका तीन साल का एक अंडर ग्रेजुएशन डिग्री है एडमिशन प्रोसेस आपका यहाँ पे ट्वेल्व बोर्ड एग्जाम के मेरिट लिस्ट वाइज आपका यहाँ पे एडमिशन होता है कोर्स फीस आपका पर सेमिस्टर सिर्फ थर्टी टू थाउजेंड इंडियन रुपीज प्लेसमेंट पैकेज वन पॉइंट फाइव टू थ्री लाख पार एन इस कॉलेज में प्लेसमेंट उतना भी बहुत ज्यादा नहीं मिलता है लेकिन इस कॉलेज में जो स्टूडेंट पढ़ता है वो लोग आपका इस कॉलेज से पढ़ने के बाद आपका एमबीए करता है इंडिया के अंदर टॉप क्लास लेवल के कॉलेज यूनिवर्सिटी से so, अगर के अंदर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से जिसका कोर्स की बहुत ज्यादा कम है एंड आपका एस्टेब्लिशमेंट भी है एंड रेपुटेशन भी है तो उसके लिए स्कॉटिश चर्च कॉलेज आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा ठीक है नंबर फोर्थ पोजीशन पे जिस कॉलेज को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है उस कॉलेज का आपका नाम है जे डी बिरला इंस्टीट्यूट जेडी बिरला इंस्टीट्यूट कॉलेज का आपका यूनिवर्सिटी है जादवपुर यूनिवर्सिटी यस yes, जादवपुर यूनिवर्सिटी एप्लीकेटेड कॉलेज है जेडी बिरला इंस्टीट्यूट इसके एस्टेब्लिशमेंट आपका हुआ था नाइनटीन सिक्सटी टू पे ठीक है कॉलेज टाइप आपका प्रियोरली प्राइवेट कोर्स ऑफर आपका बीबीए एडमिशन प्रोसेस क्लास ट्वेल्व बोर्ड एग्जाम मार्क्स एंड देन मेरिट लिस्ट कोर्स फीस आपका फर्स्ट ईयर फीस इस कॉलेज का आपका वन लैख थर्टी थ्री थाउजेंड का मिल जाता है कंपनी लाइक टी सी एस है कोटाक महिंद्रा बैंक आईसीआईसीक एक्सिस बैंक अमूल नेस्ले बाइजूस आर कमिंग ऑन द टाइम ऑफ ऑन कैंपस प्लेसमेंट राइट इसके बाद नेक्स्ट नंबर फिफ्थ पोजीशन पे जिस कॉलेज को मैंने इंक्लूड किया है उस कॉलेज का आपका नाम है टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी अगर आप वेस्ट बेंगल के अंदर आओगे और किसी भी बच्चे को या फिर सीनियर को पूछोगे कौन सा बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस है इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के लिए तो हर एक बच्चा आपको एक ही रिप्लाई देगा हमेशा टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट है टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी के बारे में अगर मैं एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दूं तो टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी आपका एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है एंड ईस्टर्न इंडिया का बिगेस्ट कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन है आपका टेक्नो इंडिया ग्रुप एंड यूनिवर्सिटी इन टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी का टोटल ईस्टर्न इंडिया के अंदर ट्वेंटी टू कॉलेजेस फोर यूनिवर्सिटीज ट्वेल्व बी स्कूल ट्वेंटी फाइव स्कूल एंड टू अपकमिंग मेडिकल कॉलेजेस भी आने वाला है मीन टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी का बहुत जल्दी मेडिकल कॉलेज भी आने वाला है ठीक है एंड टेक्नो इंडिया कॉलेज एक लौता प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो आज के टाइम भी अच्छा खासा प्लेसमेंट आपको प्रोवाइड कर देता है इन द फील्ड ऑफ वेरियस एजुकेशन लाइक इंजीनियरिंग मैनेजमेंट बी सी एम सी ए हर एक टाइप का डिग्री कोर्स आपको टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी के अंदर मिल जाएगा इनका बहुत सारा कैंपस है वेस्ट बंगल के अंदर मैं यहाँ पे मेन जो कैंपस जो शॉटलिक सेक्टर फाइव के अंदर है जिसका नाम है टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी उसके बारे में बोल रहा हूँ कॉलेज टाइप मैंने आपको बोला ये प्राइवेट कॉलेज कोर्स ऑफर आपका यहाँ पे बीबीए जो आपका ऑफर किया जाता है ऑनर्स थ्री ईयर्स का अंडर ग्रेजुएशन डिग्री लेकिन इसके साथ साथ टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी के अंदर आपका इंटीग्रेटेड बीबीए डिग्री भी ऑफर किया जाता है इंटीग्रेटेड डिग्री मतलब आपका पांच साल का होता है जहाँ पे तीन साल बाद आपको बीबीए का डिग्री दिया जाता है एंड दो साल बाद आपको एम का डिग्री दिया जाता है एंड इंटीग्रेटेड डिग्री अगले आने वाले टाइम इंडिया के अंदर बहुत सारे यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज में आने वाला है क्योंकि इंटीग्रेटेड डिग्री का बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है तो यहाँ पे आपको फाइव ईयर्स इंटीग्रेटेड बी एंड एम डिग्री देखने को मिलता है फाइव ईयर्स इंटीग्रेटेड एंड एम डिग्री

पैसा दोगे एंड एडमिशन आपका कंप्लीट हो जाएगा हर एक कॉलेज का आपका फोन नंबर कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर मिल जाता है एंड उसके साथ साथ अगर आप लोग चाहो तो मैक ऑफ एग्जाम के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो एंड इसके साथ साथ टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी खुद का भी एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करता है बीबीए लेकर पढ़ने के लिए ठीक है कोर्स फीस बीबीए का है आपका यहाँ पे टोटल फिफ्टी थाउजेंड इंडियन रुपीज पर सेमिस्टर ठीक है एवरेज प्लेसमेंट पैकेज आपको आराम से फाइव टू सेवन लैक्स पर है ना मिल जाता है आफ्टर कंप्लीट बीबीए राइट नेक्स्ट नंबर सिक्स पोजीशन के अंदर मैनेज इस कॉलेज को प्रोवाइड किया है उस कॉलेज का आपका नाम है गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इस कॉलेज का यूनिवर्सिटी आपका मैकाउ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिशमेंट आपका इस कॉलेज का हुआ था 2003 पे अंडर जे आई एस ग्रुप एंड जे आई एस ग्रुप एंड टेक्नो इंडिया ग्रुप बोथ टू आर द बिगेस्ट एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन ईस्टर्न इंडिया कॉलेज टाइप गुरु नानक इंस्टीट्यूट का टोटली प्राइवेट कॉलेज

होगा एडमिशन प्रोसेस ट्वेल्थ मेरिट बेस्ड डायरेक्ट एडमिशन और आप लोग चाहो तो मैकआउट सीईटी एग्जाम के ऊपर बेस करके भी एडमिशन ले सकते हो कोर्स फीस पार्ट सेमिस्टर आपका फिफ्टी थाउजेंड इंडियन रुपीज पड़ता है बीबीए करने के लिए गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एवरेज प्लेसमेंट पैकेज आपको फाइव टू सेवन लाख पारा नाम का देखने को मिलता है कंपनी लाइक कैपेजी कोलकाता टी सी एस इन्फोसिस विप्रो एंड मेनी मोर एम एंड स्मॉल लेवल स्टार्टअप्स आर कमिंग ऑन द टाइम ऑफ ऑन कैंपस प्लेसमेंट नेक्स्ट नंबर सेवन पोजिशन के अंदर जिस कॉलेज को मैंने इंक्लूड किया है इस टॉप बीबीए इन कोलकाता कैलकाता यूनिवर्सिटी का प्राइवेट कॉलेज है, है लेकिन कोर्स भी बहुत ही ज्यादा कम है कोर्स ऑफर यहाँ पे किया जाता है बीबीए ऑनर्स थ्री ईयर्स ठीक है एडमिशन प्रोसेस प्योरली ट्वेल्थ मेरिट बेस्ड एडमिशन कोर्स फीस फर्स्ट इयर फीस जस्ट सिक्सटी फाइव थाउजेंड बेसिकली यहाँ पे थर्टी थाउजेंड फर्स्ट सेमिस्टर आपका लिया जाता है ठीक है प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन कोर्स का कॉलेज का फीस बहुत ही कम है फैकुलटी बहुत ही अच्छा है एंड कॉलेज का कैंपस बहुत अच्छा एंड कॉलेज का एजुकेशन क्वालिटी भी बहुत अच्छा है दैट्स दाई मैंने इस कॉलेज को यहाँ पे इंक्लूड किया है एंड एन आई आर प्रैंक भी इस कॉलेज का अच्छा है नैक एग्रीगेशन अच्छा है एंड जितने भी वेबसाइट्स है उन पर रिव्यू भी बहुत ही अच्छा है ठीक है नंबर एट पोजीशन पर जिस कॉलेज को हम लोगों ने इंक्लूड किया है इस कॉलेज का नाम है आपका द नेोटिया यूनिवर्सिटी ये आपका कोई कॉलेज नहीं एक्चुअली आपका एक यूनिवर्सिटी है प्राइवेट यूनिवर्सिटी कोर्स क्या क्या ऑफर किया जाता है यहाँ पर यहाँ पर आपका बी इन रिटेल मैनेजमेंट बी बी ए इन डिजिटल मार्केटिंग एंड बी बी ए इन लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर यहाँ पे आपका कोर्स ऑफर किया जाता है ठीक है एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम के मार्क्स वाइज ठीक है कोर्स फीस आपका फर्स्ट सेमेस्टर फीस आपका सिक्सटी थाउजेंड है ठीक है सिक्स जीरो 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 ठीक है एंड देन उसके बाद बाकी का जितने भी आपका सेमिस्टर बचता है वहाँ पे आपको थर्टी सिक्स थाउजेंड देना होगा अभी कोर्स फीस आपका डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर एंड आपका डिपेंड करता है ईयर के ऊपर हर साल आपका इंक्रीज होता है मैंने यहाँ पे एक अप्रोक्स वैल्यू दिया है अगर आपको एग्जैक्ट कोर्स फी पाना है तो कॉलेज में फोन करके आपको जानना होगा ठीक है एवरेज प्लेसमेंट पैकेज न्योटिया यूनिवर्सिटी के अंदर आपको थ्री टू फाइव लैक्स पर एनम देखने को मिलता है राइट नंबर नाइन्थ पोजीशन पे जिस कॉलेज को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है उस कॉलेज का आपका नाम है जे आई एस यूनिवर्सिटी जे आई एस यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी टाइप आपका प्राइवेट है कोर्स ऑफर आपका बीबीए किया जाता है एडमिशन टाइप आपका ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम वाइज डायरेक्ट एडमिशन होता है एंड उसके साथ साथ जे आई एस यूनिवर्सिटी खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम कॉन्डक्ट करते हैं उसको भी आप दे के एडमिशन ले सकते हो कोर्स फीस जे आई एस यूनिवर्सिटी के अंदर बीबीए करने के लिए आपका पार्ट सेमिस्टर थर्टी थाउजेंड पड़ता है ठीक है एवरेज प्लेसमेंट पैकेज आपका फोर लैख टू फाइव लैख पारा नाम का होता है कंपनी लैक बाईजूस नेस्ले उप्रो चेक टी सी एस एंड मेनी मोर एम आर कमिंग ऑन द टाइम ऑफ ऑन कैंपस प्लेसमेंट राइट नेक्स्ट हम लोग अपने इस टॉप टेन बीबीए कॉलेजेस इन कोलकाता लिस्ट का लास्ट कॉलेज को देखेंगे एंड नंबर टेन पोजीशन जिस जो कॉलेज आपका होल्ड कर रहा है उस कॉलेज का आपका नाम है आई लीड कोलकाता फुल फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप ऑनटरप्रेनियरशिप एंड डेवलपमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है इस कॉलेज का मैकाउ यूनिवर्सिटी कॉलेज टाइप आपका प्राइवेट कोर्स ऑफर आपका बीबीए एडमिशन प्रोसेस आपका डायरेक्ट एडमिशन और मैकाउ सी एग्जाम कोर्स फीस आपका टोटल थ्री इयर्स में टू लैख एट्टी टू थाउजेंड या पे आपका खर्चा होता है अगर आप बीबीए लेकर पढ़ते हो एवरेज प्लेसमेंट पैकेज आपको सिक्स टू सेवन लैख पर एनएम का देखने को मिलता है कंपनी लाइक बाइजूस नेस्ले विप्रो चेक TCS Axis Bank Just Dell Oyo Ola Uber and many more companies are coming on the time of on campus placement so these all are the top टेन बी बी ए कॉलेजेस इन कोलकाता टू थाउजेंड ट्वेंटी वन लिस्ट मैंने आपको एक एक इन्फॉर्मेशन स्टेप बाई स्टेप दिया है इसके बाद भी अगर आप लोगों को लगता है और कोई कॉलेजेस इस लिस्ट के अंदर एड होना चाहिए था तो आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन पर जरूर कॉमेंट कीजिए जो कॉलेज आपको लगता है कि बेस्ट बीबीए कॉलेजेस है कोलकाता के अंदर ताकि बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता चले और कितने कितने कॉलेजेस है इसके अलावा और कुछ गवर्नमेंट कॉलेज लाइक लाइक आपका uh, जयपुरिया कॉलेज गोइंका कॉलेज ये सब कॉलेज भी आपका अच्छा है बीबीए के लिए लेकिन प्लेसमेंट के दिख से जिसमें आपको प्लेसमेंट मिलता है दिस टॉप टेन आर द बेस्ट कॉलेजेस अकॉर्डिंग टू तो प्लेसमेंट कोर्स फीस एंड एडमिशन कॉलेज एंड एडमिशन प्रोसीड्यूट ठीक है अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना अपने हर एक फ्रेंड्स के अंदर जो आपका वेस्ट बेंगल के अंदर से बीबीए करना चाहता है ठीक है एंड उसके साथ साथ अगर आप लोग चैनल के अंदर न्यू हो तो ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड और किस टाइप के टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए नीचे कॉमेंट सेक्शन पर जरूर कॉमेंट कीजिए एंड जो हिंदी व्यूअर्स है उनको मैं बोलना चाहता हूँ आप इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए शेयर कीजिए अगर आप लोगों से अच्छा खासा रिस्पॉन्स मुझे मिलता है तो इस चैनल के अंदर मैं अगले आने वाले टाइम हिंदी में वीडियो बनाना और भी ज्यादा कंडक्ट करूंगा एंड हिंदी में वीडियो में कंटिन्यू करूंगा तो आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगा इसी तरीके का एक इंफॉर्मेशन वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक के लिए गुड बाई अच्छे तरीके से रहिए एंड अपना कॉलेज लाइफ को अच्छे से शुरू कीजिए